गुड मॉर्निंग क्लास थ्री, बेटा चलिए टेकआउट करिए और सोशल स्टडीज़ बुक। टेक आउट ऑल ऑफ यू योर सोशल स्टडीज़ बुक। गो एंड ब्रिंग योर सोशल स्टडीज़ बुक फास्ट एंड ओपन पेज नंबर 26, लेसन 4, वेदर एंड सीजन्स। ओके, अब आपको आज हम पढ़ेंगे हम लोग वेदर और सीजन के बारे में। देख रहे हो ना मौसम कितना तेज़ी से बदल रहा है, देख रहे हो? तो अब मौसम और सीज़न क्या होता है, ठीक है, वेदर और सीजन्स को क्या कहते हैं, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए अब देखो वेदर क्या होता है बेटा। तो वेदर मतलब क्या होता है, जो कभी कभी आप महसूस कियोगे कि अरे आज तो बड़ी धूप है, बड़ी गर्मी लग रही है, ठीक है। कभी आपको लगेगा, शाम को लगने लगेगा, अरे वाह तो बारिश होने लगी, बड़ा ठंडा ठंडा माहौल हो गया, ठीक है, या बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। आजकल देखो सुबह धूप रह रही है और रात में ठंडी लगने लग रही है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हल्की हल्की ठंड पड़ रही है ना, अगर छत पे आप सोते होगे या देखते होगे छत पे, तो देखो रात में ओस भी गिर रही है, ठीक। तो सुबह का माहौल कैसा है, गर्म, और रात का कैसा हो जा रहा है, थोड़ा ठंडा हो जा रहा है। तो वेदर यही होती है बेटा, वेदर डे टू डे चेंज होती है, विद इन अ सिंगल डे दो तीन बार चेंज हो जाती है, ठीक। इसी को हम लोग वेदर कहते हैं, जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब आपकी बदलती है, चाहे पर हर डे बदले या दो दिन चार दिन पे बदले या कुछ घंटों में बदल जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। ये हमेशा बदलता रहता है, ठीक है, मौसम जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक। अच्छा, वेदर फोरकास्ट सुन के ही लोग अपने प्लान्स बनाते हैं, जैसे फार्मर्स हैं, ठीक है भाई, उनको पता चलता है वेदर, पता थे वेदर फोरकास्ट न्यूज़ जो आती है ना कि कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, इस दिन ऐसा माहौल रहेगा, इस दिन ऐसी धूप रहेगी, तो उस हिसाब से फार्मर जो है कि अपना खेत में जुताई बुआई या पानी देने का काम या रोपनी सोहनी जो भी करते हैं वो उस हिसाब से करते हैं। फिर उसके बाद देखो फिशरमैन्स जो होते हैं, ठीक, जो मछुआरे होते हैं, जो मछली मारने जाते हैं, वो अगर पता चलता है कि अरे आज तूफान आएगा, आज भारी बारिश होगी, तो उस दिन नहीं जाते हैं नाव लेकर के, जिस दिन मौसम सामान्य रहने का, अच्छा रहने का न्यूज़ आता है उस दिन जाते हैं मछली पकड़ने, हैं। अच्छा, अब आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है बेटा, क्लाइमेट इज़ द फादर ऑफ वेदर। मतलब देखो वेदर तो बदल जाता है एक दिन से दूसरे दिन में, एक ही दिन में कई बार बदलता रहता है वेदर, लेकिन क्लाइमेट जो है ना इसमें चेंज जल्दी नहीं आता। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ चेंज को क्या कहते हैं हम लोग, क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट में चेंज आता है। यानी कि जैसे आप देखो, जैसे हम देख रहे हैं कि क्या होता है कि आप जनवरी से अगर बात करो तो जनवरी फरवरी, हाँ, इसमें थोड़ी ठंड रहती है, मार्च और अप्रैल ठंडी नहीं रहती है लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, हाँ, मई से गर्मी शुरू होती है, मई जून, ठीक है, अप्रैल भी में गर्मी में ही जाता है, अप्रैल मई जून बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मई जून में तो बहुत गर्मी होती है। जुलाई में क्या होता है, फिर बारिश होने लगती है, ठीक है, जुलाई अगस्त में बारिश होने लगती है, मानसून सीज़न आ जाता है। फिर आप देखोगे तो सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, क्या होने लगता है, अक्टूबर मतलब बहुत गर्मी भी नहीं रहती, बहुत ठंडी भी नहीं रहती सितंबर अक्टूबर नवंबर में भी। फिर नवंबर दिसंबर से, फिर नवंबर लास्ट और दिसंबर से क्या देखोगे आप कि ठंड शुरू हो जा रही है। तो ये बहुत साल से ऐसा चल रहा है, हम छोटे थे तब भी ऐसा ही था, मेरे फादर छोटे थे तो भी ऐसा ही था, आप अभी छोटे हो तो भी ऐसा ही है, आपके दादाजी छोटे थे तो भी ऐसा ही था। मतलब 100-150-200 सालों में क्लाइमेट में चेंज आता है। क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो पीरियड, जो सीज़न जो फिक्स हो गया रहता है कि हाँ ऐसे ही ऐसे होगा। अच्छा, मैंने दो तीन बार सीज़न 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 बोला, सीज़न क्या होता है बेटा, सीज़न देखो जब कुछ महीनों के लिए एक जैसा वेदर रह जाता है तो हम उसको सीज़न कह देते हैं, ठीक, और सीज़न जब कई सालों के लिए एक तरह का सीज़न चलने लगता है तो वही क्लाइमेट हो जाता है। समझ में आई बात, वेदर क्या है, डे टू डे चेंज होता है, सीज़न क्या है, जब वेदर कुछ महीनों के लिए एक जैसा रह जाए। यानी कि जैसे ठंडी है तो दिसंबर से शुरू होती है, दिसंबर जनवरी फरवरी ठंडी पड़ती है, तीन महीना पड़ी ना ठंडी, तो वो कौन सा सीज़न हो गया, विंटर सीज़न, ठीक। जैसे विंटर सीज़न में हम लोग क्या करते हैं बताओ, विंटर सीज़न में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है, आग के पास बैठते हैं, ठीक है, हरी मतलब ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे कि गर्म रखे शरीर को, ग्राउंडनट्स वगैरह खाते हैं जिससे शरीर में गर्मी रहे, है ना, और जो है वुलन कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनते हैं, बाहर कम घूमते हैं, हैं, तो ये करते हैं हम लोग। धूप निकलती है अगर विंटर सीज़न में तो सब लोग छत पर बैठ के धूप लेते हैं,
करते हैं ना विंटर सीजन में। फिर आप देखो जनवरी के बाद मार्च अप्रैल जो है आपका क्या होता है, वो आपका ऑटम आ जाता है। ऑटम में ना बहुत गर्मी रहती है ना बहुत ठंडी रहती है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। इस समय लोग क्या करते हैं, इस समय लोग अपना जो है वो क्या कहते हैं ट्रीज़ जो हैं वो क्या कहते हैं अपनी लीव शेड कर देती हैं, ठीक है। और आपका जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक अपना। अब देखो फिर देखो इसमें आपको डिटेल दिया है कायदे से, जैसे विंटर के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो विंटर आपको क्या बता रहा है कि अक्टूबर इसमें दिया हुआ है ऐसा कि विंटर जो है वो अक्टूबर और नवंबर में पड़ता है, लेकिन आपको तो पता ही है आजकल विंटर कैसे पड़ रहा है, ठीक है। विंटर सीजन देखिए कहाँ डिस्क्राइब किया है, सबसे पहले विंटर यहाँ डिस्क्राइब किया, ठीक है। हाँ देखो नवंबर से फरवरी वही दिया है विंटर कि नवंबर से फरवरी विंटर शुरू होता है, ठीक। अच्छा फरवरी के बाद आप देखिए मार्च, मैंने आपको बताया कि मार्च अप्रैल क्या होता है, मार्च अप्रैल में स्प्रिंग सीजन आ जाता है, ऑटम नहीं आता सॉरी, मार्च अप्रैल में क्या होता है स्प्रिंग सीजन आ जाता है। इसमें जो है कि नए नए फूल पत्तियां होती हैं, यही समय है, सही समय है, लोग इसी समय मतलब खेत में जुताई उताई बुआई उवाई करते हैं, ठीक है। ट्रीज़ और फ्लावर्स बहुत सारे ब्लूसम करते हैं स्प्रिंग सीजन में। फिर अप्रैल के बाद क्या आ जाता है, गर्मी आ जाती है। अप्रैल मई जून आपकी बहुत ज़्यादा, अप्रैल मई जून बहुत गर्मी रहती है, समर सीज़न रहता है इस समय भाई। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत गर्मी रहती है, हाँ साउथ इंडिया में थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है क्योंकि वहाँ सी ब्रिज लैंड ब्रिज होता रहता है, वहाँ पे मतलब जानते हो ना कि गर्म हवाएं जो है वो धरती से मतलब अर्थ से लैंड से चली जाती हैं सी की तरफ, और सी से ठंडी हवाएं वापस आती हैं लैंड की तरफ, तो वही लैंड ब्रिज सी ब्रिज का प्रोसेस होता रहता है। इसलिए भाई साउथ इंडिया में बहुत गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक। लोग कॉटन कपड़े पहनते हैं, लोग जूस इस समय ज़्यादा पीते हैं, आम बहुत खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, खीरा ककड़ी कुकुम्बर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इस समय चलती हैं, लोग खाते हैं, ठीक है, ताकि इससे वो ठंडी रहे, उनकी बॉडी ठंडी रहे, अंदर बहुत गर्मी ना हो, लू का असर ना हो, ये सारी चीज़ें लोग करते हैं, लू भी चलती है इस समय। फिर जून के बाद क्या होता है, मानसून सीज़न आ जाता है आपका। मानसून सीज़न में क्या होता है भाई, बारिश होती है, पानी बरसता है, लोग रेनकोट्स वगैरह पहनते हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत जगह जुलाई से सितंबर चलता है ये, ठीक। और बहुत जगह तो फ्लड आ जाता है, बहुत जगह जो है कि फ्लड क्या होता है जानते हो ना, बाढ़, जब हैवी रेन की वजह से बांध वगैरह भर जाते हैं और फिर पानी जो है कि गांव में भरने लगता है, क्रॉप्स वगैरह ख़राब होने लगते हैं, ठीक है। हैवी रेन की वजह से क्या होता है, फ्लड आता है, ठीक। और ड्रॉट भी आता है कहीं कहीं, तो क्या होता है ड्रॉट क्या होता है वो भी जान जाओ। जब बारिश नहीं होती है, बिल्कुल टाइम पे बारिश नहीं होती है, तो क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, इसी को हम लोग ड्रॉट कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, अक्टूबर नवंबर आ जाता है भाई, जुलाई से सितंबर ख़त्म हुआ, अक्टूबर नवंबर आ गया, ये ऑटम सीज़न है आपका। ऑटम सीज़न में क्या होता है, ऑटम सीज़न में भी ना बहुत गर्मी रहती है ना बहुत ठंडी, जो अभी चल रहा है आपको पता है। इस समय क्या होता है, ट्री जो है अपने लीव शेड कर देती है, ठीक है, और बहुत सारी ट्रीज़ मतलब सारी नहीं बहुत सारी ट्रीज़ अपनी लीव शेड कर देती है, पतझड़ का मौसम इसको कहा जाता है, ठीक। ऐसा ही आपका होता है, क्लियर समझ में आ गया वेदर क्या होता है, ठीक। कंडीशन किसी भी एटमॉस्फेयर का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेदर होता है। क्लाइमेट जो है वो जनरल वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी जगह का वेदर का कंडीशन जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। सीज़न क्या होता है, वेदर चेंज इन डिफरेंट मंथ, ठीक है, मतलब जब अलग कुछ कुछ महीने एक जैसे वेदर रह जाता है तो उसी को हम लोग सीज़न कहते हैं। क्लियर है आपको, सब समझ में आ गई बातें, ओके। तो थैंक यू, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह एक्सरसाइज अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार हो जाइए, ओके, थैंक यू।